सब कुछ लुट जाए ना बेटा, तो भी आप अपने आप को इस लेवल पे ले लो कि कोई फर्क नहीं पड़ना, कम से कम मेरा परिवार तो भूखे नहीं मरेगा। इतना योग्यता, इतना अपने आप को इस लेवल पे लेके आओ कि कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी हालात हो। क्योंकि हालात, मैंने कहा ना, वो हालात इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन हालात से निपटने की तैयारी करना इंसान के बस की बात होती है। और ये वही समय चल रहा है बेटा, इसको चाहो तो अपने जीवन का पुनर्स्थापना वर्ष भी कह सकते हो। ये पुनर्स्थापना का समय आपका, अपने आप को बहुत ताकतवर बनाने का, जो शक्तियां, जो ताकत जो है ना बेटा, जो उद्देश्य आपका कमजोर पड़ा हुआ है उसमें अपने आप को फिर से जागृत करने का समय, अवेयर करने का समय है, पुनर्स्थापना करने का समय। जैसे कोई बच्चा है टारगेट की तैयारी कर रहा है, कितने भोले होते हैं लोग, कितने सीधे होते हैं। कुछ लोग समझते हैं साल खराब हो रही है, कोई भी नीट की तैयारी कर रहा है, जेट की कर रहा है, सीयूटी कर रहा है, मतलब बारहवीं के बाद में, कुछ लोग कहते हैं साल खराब हो रही है। मैं कह रहा हूं पुनर्स्थापना हो रही है बेटा। साल खराब करना अलग चीज है, पुनर्स्थापना करना अलग चीज है। साल तब खराब मानी जाती है जब उसके रिजल्ट सही नहीं आते हैं। जब रिजल्ट सही नहीं आते तो साल खराब है, रिजल्ट बढ़िया आ गए ना बेटा तो साल खराब नहीं है। आपकी कमजोरियां, आपकी जो कई चीजें जिसमें आप, जिस फील्ड में आप कमजोर थे उसको सही करने का साल भी इसको कहा जा सकता है। क्योंकि एक बच्चा साल खराब नहीं करने के चक्कर में ऐसी वैसी कॉलेज में फंस जाता है, साल बचाने के चक्कर में। देखिए कितने बोले और कितने सीधे लोग होते हैं कि साल बच जाएगी मेरी, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेना चाहिए। अरे भैया, आज तो तूने एडमिशन ले लिया, लेकिन जिस दिन तू डिग्री करके बाहर निकलेगा ना, उस दिन तेरे को पता लगेगा साल खराब क्या होती है, तब पता लगेगा तेरे को। उसके बाद में 15 साल, 20 साल, 40 साल घर बैठ जाएगा। और जिस बच्चे ने साल खराब करके टॉप यूनिवर्सिटी में, टॉप IIM में ले लिया, IIT में चला गया, वो साल खराब नहीं बेटा, उसको पुनर्स्थापना कहा जाता है। क्योंकि आपको वहीं जाना चाहिए जहां जाने की आपने तैयारी कर रखी है, भले ही आप 2 दिन लेट हो जाए, 2 घंटे लेट हो जाए, 6 महीने लेट हो जाए, साल भर लेट हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जाना वही है जहां की तैयारी है। अगर आपने जाना आपको बीकानेर है और हड़बड़ाहट में, भाई बीकानेर तो भी गाड़ी पता नहीं कब जाएगी, क्या होगा, अजमेर वाली में बैठ लेता हूं, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। जब जाना बीकानेर है और जल्दबाजी में मैं अजमेर चला जाता हूं, इसका तो कोई तुक ही नहीं बेटा, जाना बीकानेर है। अब कई बार क्या होता है, मैंने कहा ना बीकानेर जाना है तो लेट हो सकते हैं। जैसे एक बच्चा कोई साल भर तैयारी कर रहा है तो जाना हो, जहां जाना उसके लिए 1 साल लेट हो सकता है, लेकिन वो पहुंचना सही जगह चाहिए बेटा। हड़बड़ाहट में हम लोग ना दूसरी जगह पहुंच गए, वहां जाके भी पता लगा अब तो मेरा पूरा सब कुछ खराब हो गया, क्योंकि यहां तो मुझे आना ही नहीं था, अजमेर तो मुझे आना ही नहीं था, मुझे तो बीकानेर जाना था। तो उससे बढ़िया है कि, क्योंकि लेट हो सकता है, गलत नहीं बेटा, जैसे कि अजमेर जाना है, बस जो है ना बेटा, हो सकता है बस आपको लेट मिली हो, बस चलने के बाद में हो सकता है थोड़ा आगे चलते उसका टायर पंचर हो गया हो सकता है कुछ और कारण से इंजन में प्रॉब्लम आ गई, 4 घंटे बस खड़ी रह गई हो सकता है और कोई कारण हो गया हो, वो बस ही बिल्कुल खराब हो गई, आपने बस चेंज की, दूसरी बस चेंज करने में आपको 2 घंटे 12 घंटे 6 घंटे लग गए, फिर उसके बाद में चलना शुरू किया, आगे चल के पता लगा उस बस में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आगे टैक्सी यूनियन की हड़ताल चल रही है, रोड रुकी पड़ी है, फिर टाइम लग गया, फिर आपने फैसला किया कोई बात नहीं, मैं जो है ना जहां तक ये हड़ताल है वहां तक पैदल जाऊंगा, वहां कोई आगे गाड़ी मिल जाएगी, आपने पैदल चलने का फैसला किया, आगे चल के उस हड़ताल के आगे निकले, वहां फिर गाड़ी मिल गई, फिर चलना शुरू किया, लेकिन पता चला इंजन सीज हो गया, पानी नहीं डाला हुआ था, कोई बात नहीं, इंजन को दूसरी गाड़ी आई उसमें बैठे पानी डाला, लेकिन पता क्या हुआ, बीकानेर पहुंच गया, जाना कहां था, बीकानेर। तो जीवन का यही फलसफा है, कुछ लोग इस छोटी सी हल्की सी जो है ना लॉजिक को नहीं समझ पाते, उनको लगता है एडमिशन लेना है। जैसे कल ही एक गार्जियन आए परसों, तो परसों आके मेरे को बोल रहे कि एक बच्चा था जो फलानी जगह पढ़ा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा कि फलानी जगह पढ़ा था, तो जब हमारे बच्चे को हमने पढ़ाने के लिए जब घर से आए तो उसके पापा ने कहा था कि एक बार वहां भी जाके आना, जो भी उन्होंने कहा ना, जो बच्चा जहां पढ़ा था उनका बोला वहां भी जाके आना। तो मैंने ऐसे मजाक मजाक पूछ लिया, मैंने कहां सिलेक्शन हुआ है, बोला जी एक कोई कॉलेज का नाम बताया कि फलानी जगह, उसमें तो बच्चे ही नहीं जाते, वो सिलेक्शन है, सिलेक्शन है क्या, जो कॉलेज लास्ट वाले उनमें सिलेक्शन है क्या। तो उसके पापा को मैंने समझाया वो सिलेक्शन नहीं है, उसको सिलेक्शन नहीं बोलते हैं, वो तो जिस जहां, मतलब जहां आप पढ़ा रहे हैं ना जिन कॉलेजों में, वो उसमें तो हम फार्म नहीं भरवाते बच्चों के, भरना ही नहीं है, इसलिए वो चीजें बेटा। ये जो समय है ना, ये पुनर्स्थापना का समय, अपने आप को योद्धा बनाने का समय,
अपने आप को तूफान बनाने का समय है। पुनर्स्थापना जीवन में बार बार जरूरी है। कई बार हम चल रहे होते हैं, चलते चलते जब थक जाते हैं बेटा तो थोड़ी देर रेस्ट कर रहे होते हैं। कुल्हाड़ी से लगातार लकड़ियां काटने पे कुल्हाड़ी की धार बेकार हो जाती है, थोड़ी देर रुक के उसके ऊपर धार लगा रहे होते हैं। कहीं गाड़ी जा रही है, बहुत लंबा सफर है, रास्ते में किसी ढाबे पे रुक के चाय पी रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं या नाश्ता कर रहे होते हैं। ये जो समय है ना कुल्हाड़ी के धार लगाना, चलते चलते थक के बैठ जाना या किसी रोड गाड़ी का किसी जगह रुक के थोड़ा सा रेस्ट लेना, यही पुनर्स्थापना है। और जो बच्चे इस सिस्टम को समझते हैं, जो इस चीज को जानते हैं, वो जल्दी कामयाब होते हैं बेटा, बहुत आगे जाते हैं। तो ये जो टाइम है ना बेटा, ये आपका वो वाला समय चल रहा है अपने आप को योद्धा बनाने का, अपने आप को उन चुनौतियों के लिए तैयार करने का जिनका आपको पता ही नहीं है, जिनके बारे में आप जानते ही नहीं है, जो आप जिनको कभी आपने महसूस ही नहीं किया, उनकी तैयारी का समय बेटा। इसलिए पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, क्योंकि मुझे पता, मैं कई बार आपको कहता हूं मम्मी पापा का याद आना गलत नहीं है, इमोशंस जरूरी है। मम्मी पापा की जितनी याद आती है बेटा, एक इमोशंस बच्चा उतना ही भयंकर संघर्ष करता है, इतना जिसको बिल्कुल परवाह नहीं है मम्मी पापा की, वो कभी उनकी आंखों में आंसू आ गए फर्क नहीं पड़ता बच्चे को, कभी वो रो रहे बिलख रहे फर्क नहीं पड़ता, उस बच्चे की कामयाबी तो क्वेश्चन मार्क, कामयाबी पर तो क्वेश्चन मार्क लगा लेना बेटा, उसकी सफलता पर तो क्वेश्चन मार्क है, वो सफल नहीं हो सकता। जो पापा के मम्मी की आंखों में आंसू देख नहीं सकता, जिसको पापा और मम्मी से पहले आंसू आ जाते हैं, वही कामयाब होता है, वही कामयाब होता है। फर्स्ट क्लास में जब पहले दिन था, मैंने यही समझाया था, एक बेटी का इंटरव्यू डाला था थोड़े दिनों पहले, लक्ष्मी का, कई बच्चे जानते हैं जो पिछली बार पढ़ रहे थे। 9 दिन पहले एग्जाम के ठीक 9 दिन पहले पापा का मर्डर कर दिया जाता है बेटा, मर्डर। मैं कोई बीमारी से मरने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बुखार से जान देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मर्डर बहुत खतरनाक चीज होती है बेटा। आगे ट्रैक्टर लगा दिया जाता है, पीछे डस्टर से टक्कर मारी जाती है, बहुत बुरी तरह से उनको घायल, मतलब भयंकर तरीके से पीटा जाता है। जो गोनार से जननांग है उनके ऊपर मारा जाता है बहुत बुरी तरह से, और फिर उनको रोड के ऊपर डाल दिया जाता है बेटा। ऐसे हालात में वो बच्चे यहां से जाते हैं, बलराम जी सर उनको लेके जाते हैं, कहीं रस्ते में उनको बताया नहीं क्या हो रहा था, लेकिन वो ओम प्रकाश कह रहा, उनका भैया, वो दीदी का जो भाई है ओम प्रकाश, वो कह रहा मुझे उस रात को अपने आप ही नींद नहीं आई पूरी रात, जबकि मेरे को कोई किसी ने बताया भी नहीं, लेकिन पूरी रात में बेचैन रहा, क्योंकि अपनों का दर्द है ना बेटा, वो इनडायरेक्टली महसूस होना शुरू हो जाता है। पूरी रात में सो नहीं पाया, वो बच्चा कह रहा है पूरी रात सो नहीं पाया, कभी वार्डन सर के पास जाता, कभी कहां जाता हॉस्टल के अंदर, सुबह जल्दी यहां पर आ गया लाइब्रेरी में, और आते ही बलराम जी सर ने कहा कि मैं उदयपुर जा रहा हूं कोई काम से, तो पापा ने कहा कि घर चलना है। उसने कहा एग्जाम 9 दिन बाद में दीदी का एग्जाम, छोटी बहन का एग्जाम है, इस तरह के हालात क्यों, क्यों इस तरह के, मतलब बलराम सर ऐसे क्यों कह रहे हैं। वहां पे जाके बहन के पास जाते हैं, बहन को जाके भी बोला दीदी चलना है, बहन भी अक्की बक्की रह जाती है, लेकिन उनको यह था कि हो सकता है मेरी दादी बीमार रहती है, दादी की तबीयत खराब हो गई होगी, या दादी के साथ कुछ ऐसे दिमाग में था, सपने भी नहीं सोचा कभी पापा हो, पापा के साथ ऐसा हो सकता है। रस्ते में फोन आ रहे थे बार बार, ओम प्रकाश उस इंटरव्यू में बोलता है रस्ते में बार बार बलराम सर के पास फोन आ रहे थे, तो मुझे लगा कोई शायद छोटा मोटा झगड़ा हो गया होगा। मैं घर गया, गांव गया, तो गांव के बाहर सन्नाटा छाया हुआ था, पूरा गांव सदमे में था, पुलिस चप्पे चप्पे में पुलिस थी। फिर मैंने पता किया तो मेरे को यह बताया गया कि आपके पापा का किसी के साथ झगड़ा हुआ है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद जब पता लगता है तो फिर बोला FIR, बोला FIR बाद में देखेंगे, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। वो उदयपुर एडमिट थे, उदयपुर जाते हैं, डेड बॉडी आती है। अब आप सोच सकते हो उस समय बेटे और बेटी पे क्या गुजर रहा होगा। उसके ठीक 9 दिन बाद एग्जाम है, एग्जाम से लगातार मैं उनके संपर्क में था बेटा, बलराम जी वहीं 3 या 4 दिन रुके, उसके बाद दोबारा वापस चले गए 2-3 दिन बाद में रुके, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली उस बच्चे को हिम्मत दे रहा था। उसका भी लगातार बार बार फोन आ रहा था, बार बार मैसेज आ रहा था, सर बहुत बुरी हालत में, मैंने कहा अपने आप को संभालना है, तू कमजोर पड़ गया तो पूरा परिवार ही टूट जाएगा। ये वो वाली परिस्थिति है जो दुनिया की सबसे पीक हो सकता है, किसी बुरे समय का पीक है ये, इससे बुरा किसी के साथ दुनिया में हो नहीं सकता कि किसी के पिता का मर्डर हो जाए। और इस हालात में मैंने कहा बेटा ये अपने आप को इस समय ही तेरे को अपने आप को अपना योद्धापन दिखाना है, जो आज तक तेरे को सिखाया है पिछले 2 साल में, जो हम लोगों ने सिखाया पिछले 12-15 साल में, तेरे मम्मी और पापा ने, दादा दादी ने जो सिखाया ना बेटा, वो सारा अप्लाई करने का यही समय है। उस सारे को अप्लाई करके तुझे अपने आप को संभालना है। तू अपने आप को संभाल नहीं पाया तो छोटी सी गुड़िया है ना, वो तो रो रो के तड़प तड़प के पागल हो जाएगी।
मम्मा उनकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी, बेटा तू हिम्मत रख। मैं बार बार हमेशा उसके मैसेज में उसको एक हिम्मत देता, बेटा यही समय है जिसमें तू अपने आप को, अपनी अच्छाई को, अपनी ताकत को, अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत जुनून को दिखा सकता है। हिम्मत रख बेटा, कुछ नहीं, समय बदल जाएगा बेटा, एक दिन आप जो है ना सही जगह पहुंच जाओगे। उसके बाद उस इंटरव्यू में आप बड़े कभी देखना उसको, तो कह रही पापा जब भी मैं जाती थी तो पापा ना एक ही बात कहते थे कि बेटा आईएएस बनना है, मेरे गांव में दो गाड़ियां आनी चाहिए, एक लाल बत्ती किधर से आनी चाहिए, एक इधर से आनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि मोहन जी के बेटा और बेटी दोनों कलेक्टर आएंगे। इसी को लेके हम लोग मेहनत कर रहे थे लगातार, लेकिन जब पापा की डेथ हो गई तो अब मेरे पास पढ़ने का कोई नहीं बचा, किसके लिए पढ़ूंगे। वो बेटी कह रही है किसके लिए पढ़ूंगा, पापा नहीं थे, पापा के साथ ही पापा के सपने भी चले गए थे, तो किसके लिए। मैंने कहा बेटा अभी पापा चले गए, सपने नहीं गए, सपने जाते नहीं है, उम्मीदें जाती नहीं है, अभी तुझे अपने पापा के सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी मम्मा और अपने परिवार के सपनों को पूरा करना है बेटा, तुझे पढ़ना है। वो कह रहे कैसे हो पाएगा सर, ये 9 दिन हुए अभी तो, 12 दिन का रस्म भी नहीं हुआ, कैसे आ पाऊंगा। मैंने कहा बेटा आना है। उनके दोनों मामा जी बेटा उसको लेके आते, एग्जाम देती है, एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है ना बेटा, तो 90.80% था, 91% था, 11वीं क्लास में आर्ट्स थी, 11th क्लास में आर्ट्स पढ़ने वाली बेटी डायरेक्ट 12वीं क्लास में पापा के मर्डर के ठीक 9 दिन बाद में एग्जाम देके 90.8 बोले तो 91% बढ़ाती है, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ये समय जो है ना बेटा किसी का नहीं होता, किसी का सगा नहीं होता, ये कभी भी किसी भी समय चेंज हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से जो तैयार रहते हैं उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इनसे। इस कोरोना में वो लोग ही अपने आप को सही स्थिति में रख पाए, चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, चाहे दुकान चला रहा हो, जिनकी पहले से तैयारी थी, जो मानसिक रूप से हर हालात के लिए पहले से तैयार थे। तो कुल मिला के सारी बातों का एक ही बात है, अच्छा करेंगे बेटा, बहुत जबरदस्त करेंगे,